संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। महेश भाई कैसे उदास बैठे हो, घर परिवार में कोई दिक्कत हो गई क्या? क्या बताऊं राजू भाई, घर से लाली का फोन आ रहा था, कह रही थी भैया आप 5 साल से घर नहीं आए हो, अब की बार अच्छा मंदिर पर नहीं आओगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। राजू भाई तुम ही बताओ, यहाँ बॉर्डर पर आतंकियों का साया है, मैं बॉर्डर को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? अरे महेश भाई, यहाँ के जो हालात हैं उनको मैं संभाल लूंगा, आप मेजर साहब से छुट्टी लेकर अपने घर जाइए और अपनी बहन से राखी बंधवाइए। यस सर, हो जाएगा आपका। सर एक्चुअली अभी तो फौजियों की छुट्टी हम रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ पर आतंकियों का साया मंडरा रहा है, और हम देखते हैं सर, थोड़ी सी सर यहाँ पर प्रॉब्लम है आतंकी। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर मुझे छुट्टी चाहिए। आपको छुट्टी चाहिए? आप देख लेने, यहाँ पर आतंकी साया है, यहाँ आतंकी साया मंडरा रहा है और छुट्टी चाहिए आपको? किसी फौजी के लिए छुट्टी इतनी जल्दी दी जा सकती है? क्या प्रॉब्लम है आपकी छुट्टी के लिए, बताइए। सर मैं 5 साल से घर नहीं गया हूँ। 5 साल से घर नहीं गए? कितने फौजी यहाँ पर लग रहे हैं? वो 10 साल से नहीं गया, ये 5 साल से नहीं गया, 6 साल से नहीं गया, कैसे हम कह सकते हैं क्या छुट्टी चाहिए आपको? आप देख नहीं रहे यहाँ पे आतंकी कितने मर जा रहे हैं, आतंकी भारत में घुस चुके हैं, अभी मेरी मेजर साहब से बात हुई है। आपको देश जरूरी है, परिवार जरूरी है? सर देश जरूरी है। तो जाइए फिर, देश का काम करिए, हम देखेंगे आपकी छुट्टी। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद। राजू भाई वो छुट्टी मिल गई। क्या छुट्टी मिल गई तुमको? हाँ भाई, देखा ना मेजर साहब कितने नरम दिल के हैं, तुरंत आपको छुट्टी दे दी। और भाई आप घर जाइए और अपनी बहन से खुशी खुशी राखी बंधवाइए, और एक राखी मेरी भी बंधवा लेना, ठीक है? ठीक है भाई, और अपना ख्याल रखना भाई। ठीक है भाई, मैं अपना ख्याल रखूँगा। ठीक है भाई। भाईजान भाईजान, अभी अभी मुझे खबर मिल जाएगी, एक फौजी अच्छा मंदिर की छुट्टी मनाने के लिए अपने घर जा रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है दिलावर। जी हाँ आसिफ भाई, ये बात बहुत खुशी की है, क्योंकि शायद तुम भूल गए कि ईद वाले दिन उन्होंने हमारे साथियों को मारा था। क्या तुम भूल गए ईद वाले दिन हमने कैसा मातम मनाया था? अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहो दिलावर भाई। सुनो, वो फौजी उस पहाड़ी से गुजरेगा, देख रहे हो वो पहाड़ी? बिल्कुल। उस पहाड़ी से वो फौजी गुजरेगा, हमें उस पौड़ी को शूट करना है, हमें उस फौजी को मारना है, ताकि पूरा भारत, उस घर का परिवार, उस फौजी की टोली रक्षाबंधन को खुशी से ना मनाए, बल्कि पूरे भारत में, पूरे शहर में दुखी का माहौल हो, सब लोग परेशान हो जाएं कि क्या आतंक की पावर है, क्या हमारी पावर है। हम अपने मिशन में कामयाब हुए।
फकास। मगर अब हम दिखाएंगे कि हमने क्या कर दिया। अब पूरा भारत, पूरा विश्व देखेगा हमारे आतंक को। अपना शीश कटा देंगे, कितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे।